हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिक्स। अगर दोस्तों आपके आईफोन के कैलेंडर के अंदर आपको जो है वायरस वाले नोटिफिकेशन आ रहे हैं और बहुत सारे जो है अलग अलग लिंक्स देखने को मिल रहे हैं कि आपका आईफोन जो है वो प्रोटेक्ट नहीं है या फिर उस पर जो है वायरस का अटैक हुआ है और किस तरह से आपको ये नोटिफिकेशन जो है बंद करने है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं आपके फ़ोन में वायरस तो नहीं आ गया है और आपको जो है बार बार ये नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से आप जो है इन नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो आपका आईफोन है इसमें कोई वायरस नहीं आने वाला है, ये सब स्पैम है। आप जो है किसी गलत वेबसाइट, किसी पॉर्न वेबसाइट या फिर आप जो है किसी फालतू की वेबसाइट पर जो है विजिट किए होंगे तभी आपके आईफोन में जो है दोस्तों ये चीज़ आई है। अगर दोस्तों आपके आईफोन में ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग में और सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको इसको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको जो है दोस्तों यहाँ पर जो है कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाएगा। पहले ये ऑप्शन जो है दोस्तों आपको पासवर्ड एंड अकाउंट्स में जो है देखने को मिलता था, लेकिन दोस्तों जब से जो है iOS 14 आया तो आपको ये ऑप्शन जो है यहाँ पर डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट्स, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर सब्सक्राइब कैलेंडर पर क्लिक करना है। तो इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको जो है इन दोनों ऑप्शन को जो है डिलीट करना है। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डिलीट अकाउंट पर जो है क्लिक कर देना है और अब दोस्तों आपको जो है यहाँ से इस वाले ऑप्शन को जो है डिलीट कर देना है और इसको डिलीट करने के बाद दोस्तों अब जो है आपके जो है आईफोन पर जो है इस तरह के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो जो है पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।